आज के वीडियो में हम आपको फिर से वही लेके जाएंगे जहां से 1.5 साल पहले काउंटिंग किलोमीटर्स का ये सफर शुरू हुआ था। लेकिन क्यों ना उससे पहले दापोली की खूबसूरती थोड़ी और जी भर के देख ली जाए। जायचं का? युवानी बोलवलं, यायला तर लागणारच आहे तुम्हाला, ऑप्शन नाही आहे। गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू येट अनदर ब्युटिफुल मॉर्निंग। निलेश सर के घर पे अभी भी सूरज अभी अभी बाहर आया है, अभी तक तो क्लाउडी था पूरा। इट्स 9 o'clock इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट, एवरीवन इज रेडी। अभी राउंड टू ऑन द बीच, दिस टाइम वी आर गोइंग टूवर्ड्स हरने, अनदर साइड ऑफ दापोली, अनदर ब्यूटिफुल सेट ऑफ लोकेशंस जो आपको इस व्लॉग में देखने मिलेगा। एंड देन देयर इज समथिंग मोर कमिंग, सो कहीं भी जाने की जल्दी मत करना, पूरा व्लॉग देखना आराम से बैठ के। चाहिए तो टीवी वगैरह पे कनेक्ट कर लो, म्यूजिक सिस्टम पे कनेक्ट कर लो, बहुत सारे चिल वाइब्स आने वाले हैं। वाइल ड्राइविंग फ्रॉम दापोली टू अंजरले, समुंदर के किनारे दो छोटे छोटे गाँव आते हैं, एक है हरने और दूसरा पांच पंडरी। इन दोनों गाँव में से गुजरने वाला रास्ता इतना कंजेस्टेड है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर रोज हर दिन ट्रैफिक लगा रहता था। इसीलिए कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट में इन दोनों गांवों के लिए एक बाईपास बनाया गया, और ये बाईपास बनते वक्त उसी के साथ साथ कुछ खास नज़ारे और कुछ खास व्यू पॉइंट्स भी बन गए। उन्हीं व्यू पॉइंट्स में से एक का मजा उठाने हम आज सुबह सुबह पहुंच गए थे। नीलेश सर के घर से निकल के डायरेक्टली वी आर एट द व्यू पॉइंट बिकॉज आई वांटेड टू वेलकम यू ऑल इन द व्लॉग विद अ नजारा। So, I'll just turn around the camera and I'll say hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers and you're watching this view from Counting Kilometers today morning. और अगर सुबह ऐसे नज़ारे के साथ होती है तो पूरा दिन और भी अच्छा जाता है। सो अभी पहले सबसे पहले ये नज़ारा जी भर के एंजॉय करेंगे। आई कांट इवन काउंट के यहां पे मैं कितनी बार आया हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, आज जितना क्लियर और स्काई ब्लू कलर का पानी था ना, ये मैंने आज तक कभी नहीं देखा था इससे पहले। शायद लॉकडाउन का इफेक्ट है ये। कह रहे हैं ना सब लोग, द अर्थ इज हीलिंग। से निकलने के बाद हम गए दूसरे पॉइंट पे, विच इज नोन एज टर्टल हिल। नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा, इसे टर्टल हिल कहते हैं क्योंकि दूर से देखने पर ये पूरी हिल एक कछुए के शेप में दिखती है। एंड देन देयर वाज दिस लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, हरने का फेमस लाइट हाउस, दापोली में सनसेट देखने के लिए और एक प्यारा स्पॉट। Might get a feel कि ये व्लॉग थोड़ा जल्दी जल्दी में चल रहा है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से उठ के तीसरी जगह पे, लेकिन दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज वी हैव टू रीच आर डेस्टिनेशन इन टाइम। वहाँ पे सनडाउन होने से पहले पहुँचना है, वहाँ पे कुछ चीज़ें करनी है जो अंधेरा होने से पहले करनी है, तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी जल्दबाजी चल रही है, लेकिन फिर भी जितना हो सके सिनेमैटिक वाइब्स आप तक पहुँचाने की कोशिश है। होप यू आर एंजॉइंग दिस। बाय द वे टाइम राइट नाउ इज 2 o'clock इन द नून, और नीलेश सर का घर
फिर से लॉक हो चुका है, वी आर ऑल सेट, पूरा लगेज अपनी गाड़ी में है, अभी दापोली से निकलने का वक्त है, यहाँ से निकल के अभी जाना है मंडनगढ़ विच इज़ अर्ली 40 odd kilometers, उतना ही डिस्टेंस है अभी, सो एक घंटे में पहुँच जाएंगे यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वैसे नीलेश सर का ये घर अपने आप में ही एक डेस्टिनेशन है, सो व्हाइल वी ड्राइव फ्रॉम दापोली टू मंडनगढ़, आप इस घर के नज़ारे एंजॉय करो। So as I said, it was just 1 hour's drive and we have reached here at Mandangad, Blue Green Exotica, ये campsite जहाँ पे अपना zipline है खुद का, साग zipping का। अगर अब इसके बारे में आपको पता नहीं है तो अब मैं आपको वापस याद दिला दूँ, just go back and watch the first ever video on our channel, Counting Kilometers का journey इसी zipline से शुरू हुआ था, the link is right here in the information cards, Counting Kilometers का first ever video was this zipline. So after 1.5 years we are back here at the campsite. ये campsite है नीचे यहाँ पे and we are going for the zip line now. बाकी सब लोग चले गए, if you can see over there, that is the starting point of the zip line and it flies all the way up to that side. वो end point तो आपको अभी दिखने वाला नहीं है, it's half a kilometer long, 1600 feet to be precise. अभी बारिश चल रही है, मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है यार, ड्रोन फ्लाई करने मिलना चाहिए, अगर ड्रोन शॉट्स मिल गए ना जिपलाइन के तो जो मज़ा आएगा वो अलग ही होगा। देखेंगे, होपिंग फॉर द रेंज टू स्टॉप। बाय द वे यहाँ पे बहुत कूल वाटरफॉल है जस्ट नेक्स्ट टू द कैंप साइट। गुड न्यूज़ यह है कि बारिश रुक गई है, और बैड न्यूज़ यह है कि बारिश की वजह से जो जिपलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने वाला रास्ता है वो उस पर कीचड़ बन गया है। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए आधे घंटे का ट्रैक करना पड़ेगा, तो स्लीपर पहन के ट्रैक किया जा रहा है। अभी सिर्फ ये जिप लाइन आपको फिर से दिखाने के लिए, मेहनत लगती है बस। ट्रैक सक्सेसफुली डन, अकेला ही आया, प्रियंका और इवा नीचे रुक गए बिकॉज इवा को वो सैंडल्स में चढ़ने नहीं हो रहा था, फिसलन है। ट्रैक कंप्लीटेड नॉन स्टॉप विद इन 10 minutes। आई नो सांस फूल रही है क्योंकि नॉन स्टॉप आया हूँ, एक तो स्लीपर्स की वजह से बहुत झगड़ना पड़ रहा था कीचड़ के साथ। बस ये प्लेट्यू पर से ऐसे चल के जाना है, जो झाड़िया है ना, ये झाड़िया उसके पीछे स्टार्टिंग पॉइंट है जिपलाइन का। टॉप पे पहुंचने के बाद हमारा बारिश के साथ मानो हाइड एंड सीक का खेल चल रहा था। वैसे हमें इस जिपलाइन का थ्रिल एक्सपीरियंस करने से तो बारिश रोक नहीं सकती थी, लेकिन अगर बारिश ना रुकती तो आपको ये नज़ारे कैसे देखने मिलते।
गाइज आई होप यू एंजॉयड दिस जिप लाइन वंस अगेन आई वुड से, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा ये पहले भी अपने चैनल पे आ चुका है, यहाँ पे कार्ड में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, ज़रूर देखना वो वाला वीडियो भी, क्योंकि उसमें इस जिप लाइन का थोड़ा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। आज जो है थोड़ा सिनेमैटिक अपना चिल वाइब्स देने की कोशिश की है, और ये साइड से लाइट आते हुए अचानक से रात में सूरज उग गया है, थैंक्स टू ईशा का। सूरज डायरेक्टली डोक्यावर आणून ठेवलं। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 6 AM ऑन 12th of September 2020। कल रात को डिनर के बाद ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाया, डिनर के टाइम पे भी एक्चुअली, क्योंकि फ़ोन का बैटरी डेड हो गया था, एंड नाइट टाइम गोप्रो, सॉरी आई डोंट ट्रस्ट, बट लुक एट दिस साइट नाउ, यू कैन सी जहाँ पे रुके थे हम कल रात को, डाइनिंग इज वे ओवर देयर, मतलब ये साइट इतना लंबा है ना कि एक बार यहाँ पहुँचने के बाद वापस डाइनिंग तक जाने का भी मन नहीं होता, ऑलमोस्ट 100-200 meters अवे, एवरीवन इज अवेक, एवरीवन इज रेडी, बैग्स पैक हो चुके हैं, इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम हियर, सो लेट्स मूव फ्रॉम हियर नाउ, अभी पैकअप करके सब गाड़ी में लगेज डाल लेते हैं, सकाळी टेकिंग द लॉन्ग वॉक टूवर्ड्स द मेन गेट, और वो भी नींद से उठा है तो मैडम को चलता नहीं है, बोलती है गोद में ले लो। एनीवेज बिफोर लीविंग आई ट्राई टू शो यू द वाटरफॉल एंड ऑल दोस थिंग्स अगेन, क्योंकि रात को ये प्रॉपर्टी आपको ठीक से दिखा नहीं पाया था, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू क्विकली लुक अराउंड, वाटरफॉल में जाना वगैरह तो नहीं है अभी, स्टिल आज की सुबह, निकलना था 6 बजे लेकिन सुबह उठने के बाद ये जो नज़ारे दिखे रात को मिस किए थे तो रोक नहीं पाए खुद को, नाउ इट्स 8 o'clock एंड वी आर स्टिल हियर इन द कैंप साइट, बट अभी फाइनली निकलना है और अभी नॉन स्टॉप मुंबई पहुंचना है, सो एज वी से गुड बाय टू द कैंप साइट हियर एंड गुड बाय टू द साक्ष टीम, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू ऑल गाइज ऑल्सो, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए एक्सपीरियंस के साथ, किसी नए एडवेंचर और क्रेजीनेस के साथ, एंड वन थिंग दैट आई कैन टेल यू इज समथिंग इज प्लान्ड एंड व्हाटएवर इज कमिंग इट्स गोइंग टू बी ग्रेट क्रेजी आउट ऑफ द वर्ल्ड, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, और तब तक अरे हाँ बाय द वे विशाखा इज गोइंग टू बी हियर, सो इट्स नॉट दैट जस्ट दिस टू व्लॉग्स विशाखा इज विद अस, शी इज गोना बी विद अस फॉर एटलीस्ट अनदर, गेस कर लो, अभी कुछ नहीं बताएंगे लेकिन लंबा चौड़ा कुछ तो आने वाला है, इतना तो आपको अभी पता चल गया होगा, क्या है कैसा है अभी कुछ नहीं पता चलेगा, उसके लिए दो चीज़ें करनी है आपको, एक को सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो नोटिफिकेशन ऑन करके जैसे ही पब्लिश होता है तभी देखना है, और दूसरी बात अगर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, द हैंडल इज राइट डाउन हियर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।